नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। आज हम लोग एक बिल्कुल करंट अफेयर्स पे बात करेंगे दोस्तों। आने वाली चीजों की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने अभी पढ़ा तो बहुत हैरान हो गया कि 2040 तक हर साल 1.5 करोड़ लोगों को कीमोथेरेपी, कैंसर की चपेट में आने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस कैंसर के डे बाय डे आने शुरू हो गए हैं। पहले लगता था कि ओल्डर एज में ही लोगों को कैंसर होता है, आजकल ऐसा नहीं है। बहुत सारे यंगर एज, बहुत 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 22 साल, 48 साल, 35 साल के बहुत सारे केसेस कैंसर के आने शुरू हो गए हैं, और जो बहुत ही खतरनाक है। SW की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर का खतरा जो है बहुत बुरी तरह से मंडरा रहा है। ये जो 1.5 करोड़ की फिगर है, ये दुनिया भर के लोगों की, जो बहुत बड़ी है दोस्तों। 1.5 करोड़ लोग हर साल 2040 से आने शुरू होंगे, इतना खतरनाक सिचुएशन होगा। अगर हम लोगों ने अच्छे से नहीं सोचा इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस बीमारी को भगाने के लिए, तो दोस्तों कोई ना कोई हमारा फैमिली मेंबर भी इस बीमारी का शिकार होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज से, अभी से प्लीज़ थोड़ा सा कैंसर के लिए अवेयर हो जाए, थोड़ा सा समझें कि किन वजह से कैंसर होता है। खासकर माताओं, बहनों और उन लेडीज़ के लिए मैं बात करूँगा जो बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ रही हैं। खासकर जो सबसे ज़्यादा सीन आजकल कैंसर्स के आ रहे हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर्स के आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर किसी भी फैमिली मेंबर्स को, फीमेल मेंबर्स को किसी भी तरह की गांठ है उनकी ब्रेस्ट में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, उसको प्रायोरिटी पे जाके सही से चेक कराएं। आजकल हमारे घर में, परिवार में लोग इस चीज़ को बुरा मानते हैं, डरते हैं कि कहीं मैं इसको चेक कराऊं या नहीं कराऊं, किसी को बताऊं या नहीं बताऊं। ये बहुत ही खतरनाक है। आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को भी बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स, कोई ऐसी गांठ, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार बीमार हो रहे हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसको दिखाने में उसको बिल्कुल भी संकोच ना करें दोस्तों। चाहे वो आपके प्राइवेट पार्ट्स में हो, किसी भी बॉडी के पार्ट्स में हो, या कहीं पे भी ऐसी कंसर्न हो, जो कोई फोड़ा हो गया है, कोई ऐसी गांठ हो गई है, कोई ऐसा कंसर्न हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं रुक रुक के पेन दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो कहीं कैंसरियस तो नहीं है। युवराज सिंह, मनीषा कोइराला और बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो लोग इसीलिए बच पाए, इसीलिए सर्वाइव कर पाए, इसीलिए अपनी लाइफ में वापस आ पाए, क्योंकि वो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रांग थे, उनके पास वो इंश्योरेंस कवर थे या उस तरह के उनके पास प्रोटेक्शन अवेलेबल थे कि वो वर्ल्ड वाइड जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने आप को इलाज करा पाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्ट मानते हैं? क्या 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख की पॉलिसी लेके आपको ऐसा लगता है कि आप कैंसर से प्रोटेक्ट हैं, कैंसर को मैनेज कर लेंगे? तो दोस्तों माफ़ करिएगा, आप गलती में हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कैंसर कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर आपने अभी तक भी कोई अपने लिए कैंसर प्लान नहीं लिया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार सोचें, ज़रूर लें। या कोई क्रिटिकल इलनेस प्लान नहीं लिया है, या वर्ल्ड वाइड कोई सुपर मेडिक्लेम टाइप का कोई चीज़ नहीं ली हुई है, तो प्लीज़ एक बार रीथिंक करें, ज़रूर सोचें उसको लेने के लिए। चाहे स्टेप बाय स्टेप करके ले लें, पहले अपने लिए ले लें, फिर वाइफ के लिए ले लें, बाद में बच्चों के लिए ले लें। बहुत यूज़फुल है, बहुत ही सस्ता मिलता है, इसका प्रीमियम कांस्टेंट रहता है, किसी भी एज पे बढ़ता नहीं है। वो सब चीज़ें मैंने और वीडियोस में बताई हुई हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर के बारे में अवेयर करने का है। जिस तरह की मैं US की रिपोर्ट देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट देख रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं और देख रही हैं कि डे बाय डे हर कंट्रीज के अंदर कैंसर के क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चाहे वो कैश में इलाज करा रहे हैं, चाहे वो किसी पॉलिसी के थ्रू इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो कैंसर का जो खतरा है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लें, अपने फैमिली मेम्बर्स को रेगुलरली चेक कराएं, उनका ध्यान रखें। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, धन्यवाद।